अब्बा जी जाने ही वाले, दिल भर को अब तक तो खत फेंक देना चाहिए। एक दफा ये लेटर अब्बा जी के हाथ में आ जाए तो रेशमा का फलसफा धरा का धरा रह जाएगा और दिल शेर वापस से अपने तरीकों पर आ जाएगा। आजरा, ओ आजरा पुत्र। जी अब्बा जी। पुत्र तू कह रही थी कि तूने बावर्ची खाने के लिए कुछ चीजें मंगवानी है, तो मुझे बता दे, मैं जा रहा हूँ ले। जी अब्बा जी, आप नीचे जाए, मैं लिस्ट बनाकर लेकर आ रही हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाना। जी अब्बा जी। एक लव लेटर नहीं फेंक सकता, बड़ा दिल वाला बना फिरता है। आज तो मैं मुझे पिक करने का ख्याल कैसे आ गया? मैंने सोचा तुम्हें पिक कर लूं और ये बात भी क्लियर कर लूं बात करके कि मेरा रेशमा में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी जिंदगी में हमेशा से तुम। ओके। ये क्या तुमने रिंग उतार दी और मेरे नाम का टैटू भी रिमूव करवा दिया? क्या फर्क पड़ता है, मंगेतर तो हूं ना तुम्हारी, और टैटू का भी क्या है, फिर बन जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें रिंग नहीं उतारनी चाहिए थी। ये देखो मैंने पहनी हुई है ना, मैंने तो नहीं उतारी। रुस्तम, रिश्ते इन रस्म के मोहताज नहीं होते, ये रिंग से नहीं दिल से जुड़ते। ओके, ये लो। Are you mad? रिंग क्यों फेंक दी? तुमने कहा ना रिश्ते इन चीजों के मोहताज नहीं होते, तो फेंक दी। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। वैसे सुना है जब कोई आपका हाल पूछे तो बदले में उसका हाल पूछ लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? अच्छी भली तो हंसती मुस्कुराती लाइफ एंजॉय कर रही हो। अगर इस तरह हर वक्त मुझसे सार्कास्टिक होती रहोगी तो दोस्ती कैसे होगी? दोस्ती, और वो भी तुमसे? मैं अपनी औकात से बाहर की दोस्ती का मजा चख चुकी हूँ, अब दोबारा ये हमाकत नहीं करूंगी। वैसे शायर कहते हैं कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ अच्छे रिश्ते पाने के लिए चांस ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सुबह तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा था कि तुम खत लिखकर फेंकोगे, लेकिन तुम तो सिर्फ बातें करते हो, ना दिलबर हो और ना ही दिलवाले। हाजरा जी, क्या बताऊं जी, और जी लव लेटर के चक्कर में बड़े ही जूते पड़े हैं जी मुझे। जूते पड़े? किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ लिया? और जी हाथ नहीं पकड़ा गया था जी, और जी मैं पकड़ा गया था। तुम पकड़े गए? बात क्या है, सही सही बताओ। और जी हाजरा जी, मैंने सोचा जी पहला पहला मोहब्बत ना मैं अपने हून से लिखता हूँ जी, और जी मैं सिरिंज लेकर आया हूं निकालने के लिए, मोहल्ले वालों ने नशाई समझ के बहुत ही जूते मारे हैं जी। खत तो खत होता है ना, चाहे खून से लिखो या किसी नीली पीली स्याही से, खून खुश्क होके स्याही ही बन जाता है। और ये क्या मेरा पहला पहला मोहब्बत नामा, ये हरकत तुम पहले भी कर चुके हो ना। हाजरा जी, वो तो मैंने अपने दिल के धड़कने पे लिखा था, ये तो मैं आपके इशारे पे लिख रहा हूँ जी। तुम मारते रहो डायलॉग, मैं तो जा रही हूँ। सलमान खालू और चौधरी रियासत अली, यानी कि मैं चौधरी रियासत अली, यानी कि मैं सब जानता हूँ कि आप सब बहुत बहुत मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप सबकी बहुत ही परेशानियां हैं, लेकिन क्या उन परेशानियों का जो है वो आप किसी भी नुमाइंदे ने नहीं किया। मैं जानता हूँ, मैं सियासत में आया हूँ कि आपकी खिदमत कर सकूँ,
ओ मुझे किसी से कोई लालच नहीं। क्या वो क्या लिख दिया इसने ये? कोई ला चलो पागल बना लेंगे। ओ कोई लालच नहीं है हमें, कुछ नहीं चाहे। क्या है? ओ मेरे पॉलिटिकल कैरियर का पहला जलसा है। अब रट्टा तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई बच्चा इम्तिहानी कमरे में पहली दफा जा रहा हो। इतने लोगों के सामने मैंने कभी वो तकरीर की नहीं है। और फिर ये है भी लॉर्ड शहर, वो अपना गांव होता तो और बात थी। अब इसलिए थोड़ा वो जो है वो क्या कहते हैं क्या हो रहा हूँ, नर्वस। हाँ नर्वस। वैसे आपका जलसा है किस इलाके में? हाकम की गली में। बस कर दें चौधरी साहब, मुझे आपको दोबारा हवा क्यों दे रहे हैं? कभी कभी ये गहरे जख्म इतनी तकलीफ नहीं देते जितनी ये छोटी मोटी खराशें तकलीफ दे जाती हैं। ये छेड़छाड़ छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम पहलवान का पुराना जख्म फिर से ताजा हो जाए। मैं टीवी पर भी आऊंगा और न्यूज चैनल लगा लेना। क्या हो गया अब्बा जी? तू नहीं जानता क्या हुआ चौधरी, हमारे हलके से इलेक्शन लड़ रहा है, बाहर गली में जलसा होने वाला है उसका। कुर्सियां लगी हैं, कनाते लगी हैं, पोस्टर बैनर, लोग बैठे हैं, तालियां बजेंगी तालियां और आवाजें यहां तक आएंगी। उसमें नई बात कौन सी है? वहां गांव में भी तो इलेक्शन लड़ता था, वो नाजिम था हमारे इलाके का। ये शोर शराबा वहां पे भी होता था, हम वहां पे भी वोट नहीं देते थे, यहां पे भी नहीं देंगे। बस बस ये तेरे लिए बस होगा, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जानता तू भी है, तू भी जानता है कि वो यहां से इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। वो जीत के हमारे सर पर मुसल्लत होना चाहता है, हमारी तकलीफ को बढ़ाना चाहता है वो। बजी चलो आप आराम करो, छोड़ो इस मसले। तू जा यहां से, तू जा, जा तू। देख लिया आपने अब्बा जी, रेशमा की पढ़ाई का असर हो रहा है दिलशेर पे, अपनी गैरत ही भूल गया है। बाप को अपने बेटे की मौत तो याद है, लेकिन एक भाई को अपना भाई ही याद नहीं है। और ये सारा किया धराना आपकी लाडली बेटी रेशमा का है, वरना हमारा दिलशेर इतना बुज़दिल और इतना बेगैरत कभी नहीं था। देखिए अखाड़ा बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।